अंतःपट घुचाइल दोहे दोहा देखी दोहर नाचे दुई आंखी। लोचन दास ठाकुर को अपने लोचन अंदर तक ले गए। ये लोचन दास, इनके लोचन कहां नहीं पहुंच जाते, पर्दा लगा है अंदर उसे। आंखें नाची वो दोनों को देख रहे हैं। ये नित्य लीला प्रविष्ट, कितने आनंद में रहते हैं लोग। यही महामंत्र पहुंचा देगा एक दिन वहां तक, विश्वास रख के और जब करिए खूब। अंतःपट घुचाइल दोहे दोहा देखी दोहार नाचे दुई आंखी। उनके नेत्र नृत्य करने लग गए, कितने प्रसन्न है कि बाहर जब गाना गा रहे होंगे, कब के बिछड़े हुए हम आज आके मिले। क्या जो भी हो, ये तो कह रहा नेत्र नृत्य कर रहे हैं। हरी हरी बोल। हम लोग की तो जो पीछे की सब संस्कार है उस हिसाब से सोचने लगा। प्रभु जी इस रस्म को कहते शुभ दृष्टि। शुभ दृष्टि, हरी बोल। हाँ वो कभी कभी आ जाते हैं, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। आप तो लोचन दास ठाकुर जो कह रहे हैं उसी को ग्रहण कर रहे हैं। अरे अरे अंतःपट घुचाइल दोहे दोहा देखी दोहार नाचे दुई आंखी। चंद्र रोहिणी जेन एकत्र मिलन, चंद्रमा और रोहिणी नक्षत्र जैसे एक साथ मिल गए। अन्योन्य करे दोहे कुसुमेर रण, और दोनों एक दूसरे पर पुष्पों की बौछार करने लगे। पुष्प उठा उठा के महाप्रभु उनको मार रहे, उनको मार रहे हैं। अंदर पर्दे के अंदर सब लीला चल रही है, लोचन दास ठाकुर सबको दिखा रहे हैं, हम लोग नेत्र भी खोल दे रहे हैं। अब ये अंतरंग भक्त लोग हैं ना, तो इनके लिए कोई मना नहीं है, कहीं भी एंटर कर जाते हैं। क्या गाते हैं हम लोग मंगल आरती में, निकुंज यूनो रति के लिए सिद्धे यायाली भीयुतिर अपेक्षणीया तत्राति दक्षा अतिवल्लभस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। लोचनदास ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये उस अंतरंग लीला में भी प्रवेश करते हैं, और इन्हीं का सहारा है, इनके सहारे हम भी प्रवेश करेंगे। चंद्र रोहिणी जेना एकत्र मिलन, अन्य में करे दोहे कुसुमेर रण। फूलों की बौछार करने का अंदर रण चल रहा है, प्रतिस्पर्धा चल रही। ये ना हर पार्वती दोहे हैल मेला, जैसे शिव और पार्वती का मिलन हो गया। छामुनी छाड़ी ल दोहे आनंद भी भोला, पर्दे के पीछे प्रथम मिलन के इस अनुष्ठान में दोनों आनंद से अभिभूत होकर कांपने लगे। आनंद बहुत बढ़ जाता है, सहन नहीं हो पाता, भगवान से भी नहीं सहन हो पाता। चतुर्दिके हरि ध्वनि जय जय नाद, नाचे सकल लोक हरि से उन्माद। यहां तो कीर्तन बनता है भाई। निताई गौरांग जय, 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 गौरा 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 हरि, गौरा 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 हरि, जय सच्चिदानंद गौरा हरि।
वाम पाशे कवि बहु। अब पर्दा हटाया गया और विश्वंभर के बाई तरफ लक्ष्मी प्रिया आकर के बैठी। एकत्र वजीला लज्जा नम्र मुखी, लज्जा से लक्ष्मी प्रिया का सिर झुका हुआ है। लज्जा नम्र मुखी से वजीला पहुं पाशे, चरणों के पास आकर के बैठ गए लज्जा। जमाता पूजा मिश्र जे विधान आचे, और पल्लवाचार्य आए और जमाता की विधि विधान से पूजा करने लगे। इतनी सुंदर पूजा की है उन्होंने। जार पाद पद्मे ब्रह्मा पाद्य निवेदिया, सृष्टि र करता हैल प्रसाद पाईया। जिनके पाद पद्मों की पूजा ब्रह्मा करते हैं, पाद्य निवेदिया, पाद्य निवेदन करके जल अर्पण करके सृष्टि र करता हैल प्रसाद पाईया, और जिनकी कृपा से वो उनकी पूजा करके और सृष्टि कर्ता बन गए। जे पद हई ते गंगा आईला मही तले, जिनके चरण के अंगूठे के प्रहार से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया और गंगा उतर आई स्वर्ग तक, और फिर बाद में भगीरथ के द्वारा मही तल तक। जे पद हई ते गंगा आईला मही तले, सर्वलोक मुक्ति पद पाइल से काले। और गंगा के आने से सबकी मुक्ति आसान हो गई। गंगा के तट पे ही आकर देखो कितने तीर्थ बस गए। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, प्रयाग है, वाराणसी है। शिवजी आके बैठ गए वाराणसी में, शिव जैसा व्यक्ति आके बैठ गया। ऐसे ऐसे साधु आकर के विराजमान जगह जगह, सब गंगा के तीर पर।
भगवान के चरणों का जल है। ये लोग तो वास ही अपना वही बना लेते हैं। हम लोगों ने सुना ना कल कि अंत काल में कम से कम गंगा के तट पे जा करके और गंगा स्नान करके गंगा जल ग्रहण करके और हरि नाम सुनते हुए देह को त्याग दे। ये तो कहते हैं कि अंत काल पता नहीं कब आएगा, कब भी आ जाए, इसलिए वहीं रहना शुरू कर दो। ये सबसे इंटेलिजेंट लोग जो थे उन सब ने तो वहीं वास ही बना लिया अपना। शिव जी तो छोड़ के जाते ही नहीं गंगा। हाँ, भगवान ने एक बार कह दिया कि आ जाओ उधर एकांबर वन में, जगन्नाथपुरी में जब भगवान वास करने लगे तो भगवान ने शिव से कहा कि आ जाओ हमारे पास। बोले नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? वो वहां गंगा नहीं है। अरे गंगा हम प्रकट कर देंगे वहां पे, तुम क्यों परेशान, गंगा जमुना सब आ जाएंगे। अब ये जो आश्वासन मिला, बोले तुम्हारे लिए शिव जी का वहां मन नहीं लगता तो मायावादी संप्रदाय के लोग वहां ज्यादा बनारस में रहते तो उनका मन लगता नहीं था, लेकिन फिर भी गंगा नहीं छूटती थी। गंगा से इतना प्रेम, कैसे गंगा छोड़ दें। जगन्नाथ समझ गए भक्त के हृदय की बात कि वहां रहना नहीं चाहता, मायावादी डिस्टर्ब करते रहते हैं, हृदय में पीड़ा होती है। कहा कि उधर आके रहो, एक आम वन है वहां, पूरे वन में केवल एक आम का पेड़ है इसलिए उसका नाम है एकांबरवन। बहुत एकांत स्थान है, तुम्हारे भजन के योग्य है। वहीं पर भुवनेश्वर विराजमान है। भुवनेश्वर मंदिर है, लिंगराज मंदिर वहीं पर है। तो अभी शिव जी का जो स्थाई निवास है वही है भुवनेश्वर। वहां वहां भगवान शालिग्राम और शिवलिंग दोनों एक साथ है, हरिहर दोनों कंबाइंड। भगवान को अनंत वासुदेव को भोग लगने के बाद तब इधर आता है, शिव जी को अर्पण होता है। और पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में केवल वही एक ऐसा मंदिर है जहाँ शिव जी का प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हो इस कलयुग में भी। और प्रसाद की बड़ी महिमा भक्ति सिद्धांत महाराज ने गाई है चैतन्य भागवत। जब महाप्रभु वहाँ पहुंचे हैं और उद्दंड नृत्य किया है तो वहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज ने बड़ी सुंदर टीका करके भुवनेश्वर प्रसाद की महिमा का वर्णन किया। कहते हैं कि अगर उस प्रसाद को पहले भगवान को भोग लगा, फिर शिव जी ने ग्रहण किया और पार्वती जी वहां बनाती हैं, पार्वती जी ने बनाया, अनंत वासुदेव को भोग लगा, फिर शिव जी ने प्रसाद ग्रहण किया, अब अगर कुत्ता भी उस प्रसाद को खा ले तो उस प्रसाद बचे हुए कुत्ते के झूठे से देवताओं और पितरों को तर्पण किया जा सकता है। इतना पवित्र तब भी हुआ है तो महिमा बहुत, लेकिन अब उस महिमा में जाएंगे तो शादी रह जाएगी, शादी कर पाएंगे। तो यार पाद पद में ब्रह्मा पाद्य निवेदिया, जिन चरण चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं वो बैठ करके पास में बैठ गए आकर के जल लेकर के और उन चरणों की पहले महिमा गान कर रहे हैं। यार पाद पद में ब्रह्मा पाद्य निवेदिया, सृष्टि र करता हरिद प्रसाद पाइया, जे पद हई ते गंगा आइला मही तले, सर्वलोक मुक्ति पद पाइला से काले, जहार त्रिपाद भूमि उत्सर्गिल बलि। जिन चरण कमलों में बलि महाराज ने तीनों लोकों का राज्य समर्पण कर दिया, ताहर मस्तके दिला पाद पद्म धूली। और फिर भगवान ने यही चरण बलि महाराज के सिर पर रख के अपनी चरण धूल प्रदान की। जे पद जपिया योगी हैल महेश्वर, जिन चरण कमलों के प्रेम में महेश्वर योगी हो गए, सही पद आनंदे कमला देवी सेवे, उन्हीं जिन चरण कमलों की सेवा कमला देवी निरंतर करती हैं, ताहा हित विष्णु यार अंश अवतार, जार अंश आदि वराह पृथ्वी उद्धार, जिनके वराह आदि अंश अवतार हैं, जार अंश मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह आदि हिरण्य कशिपु वामन म्लेच्छ प्रभूति,
हिरण्यकशिपु का वध करने वाले नृसिंह भगवान, चाहे वामन भगवान, ये सब जिनके अंश हैं, परशुराम, भृगुराम, बौद्ध, व्यास मुनि, अष्टादश पुराण जहार मुख्य सुनि, व्यास देव जिन चरण कमलों की महिमा का गान करने के लिए पूरी भागवत तो चार वेद 18 पुराण 108 भुजन सब रचना कर डाली। अष्टादश पुराण जहार मुख्य सुनि, यही सुन गुण गाथा दश अवतार, जुगे जुगे अवतार जीव परिवार, से प्रभु हैला वल्लभ आचार्य जमाता, वो प्रभु मेरे जमाता बन गए। त्रिभुवन जहार भाग्य नाही कथा, त्रिभुवन में क्या भाग्य की और किसी की महिमा की जाए कि जमाता कौन बन गया विश्वंभर। बहुत सुंदर स्तुति है चरण कमलों की। भगवान को रोज हम लोग स्नान कराते ही हैं, तो कभी कभी ये स्तुति भी करनी चाहिए कि भाई जिन चरण कमलों की इस प्रकार से बलि महाराज, शिव जी, ब्रह्मा जी ये सब आराधना करते हैं, आज उन्हीं चरण कमलों को हमें अभिषेक करने को मिल रहा है, स्नान करा रहे हैं उन्हीं को, तो गुरु कृपा से इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, गुरु को धन्यवाद करना चाहिए, इसी के लिए तो मंगल आरती होती है। महिमा गान गौरांगिर गुण गाथा अमृतिर खंड, गौरांग महाप्रभु की गुण गाथा अमृत का सैलाब है, जे कथा सुनिले घुचे अंतर पाषंड, अंदर में जितना पाखंड भरा है वो सब गौरांग महाप्रभु की लीला सुन के जाएगा। गौरांगिर मधुर लीला निर्मल विलुता, निर्मल माने क्या मल है, ये जो पाखंड जो दिखावा जो भरा पड़ा है ना वो सरलता बदल जाएगा। हम अभी गुणों का दिखावा करते हैं, हो नहीं हो, इसको बोलते हैं एटिकेट। अभी वर्तमान नहीं चल रहा है, अभी जैसे ये नवदीप वासी तो नेचुरल है उनका, हम लोग सुनते नहीं वैष्णव है, इसका ऐसे सम्मान करना चाहिए, ये हमने शास्त्रों से सीखा है, तो वो शिक्षाएं याद आती हैं, हम उस हिसाब से करते चलते हैं। मेरे स्वभाव में अभी वो चीज नहीं आई, तो जब स्वभाव में आ जाती है तो उसको कहते हैं सरल, क्या ठीक है, अभी आज्ञा पालन कर रहे हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन यही करते 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 ये नेचर बन जाना चाहिए, जब ये नेचर बन जाएगा तो मत भावम आगता है, अब तो तुम्हारा नेचर हो गया मेरे मेरे नेचर में रहने लायक है ना, अन्यों का सम्मान करना, वैष्णव का सम्मान करना तुम्हें आ गया, तो अब वहां तो सब वैष्णव ही वैष्णव भरे पड़े हैं, तो अब तुम आ सकते हो मेरे पास, मत भावन आ गया मेरे नेचर में, अब तुमको एंट्री मिल सकती। तो इसका मतलब क्या है कि हमें गौरांग महाप्रभु की कथा सुनते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, बारम्बार सुनते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। तो गौरांग महाप्रभु की कथाएं बड़ी पड़ी हैं, चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी का, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत, लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल, फिर प्रबोधानंद सरस्वती का चैतन्य चंद्रोदय, मुरारी गुप्त का कर्चा है वो भी अवेलेबल है, सब बहुत सारे शास्त्र चैतन्य लीला से संबंधित उपलब्ध है, नित्यानंद प्रभु के भी साहित्य उपलब्ध है, सुनना पढ़ना चाहिए। हमारे आचार्यों ने कितनी तपस्या करके इन सबको लिखा है, बार बार हमें याद आता है कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी किस प्रकार से रहते थे, एक वृक्ष के नीचे एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे कि आसक्ति ना हो जाए, आधा वस्त्र आधी धोती ऊपर गले में गमछे की तरह डाले हैं, आधी धोती नीचे पहने हैं, इस प्रकार से उनका रहना, ना उनके पास कोई अलमारी है ना कोई घर है ना कुछ है,
और चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र लिखने का आदेश दिया। न पेपर है न पेन है, अभी हमारे पास तो बाउंड की हुई डायरियां सब कुछ है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, लिखो जितना लिखना, उनके पास क्या था? पेड़ों की छाल निकाल निकाल करके उसके ऊपर कौन सी कलम बनाते होंगे, कैसे उसकी इंक बनाते होंगे और कैसे उसको लिखते होंगे, फिर सर्दी आती होगी, गर्मी आती होगी, बरसात आती होगी, आंधी तूफान आता होगा, ये पत्तों पे लिखना, छाल पे लिखना, फिर वो सूख जाते होंगे, फिर कैसे कुरकुरे हो जाते होंगे, उनको कितना हिफाजत से रखना पड़ता होगा, कि हवा लगे पता लगा सब उड़ गए सारे, बाइंडिंग करने वाला कोई नहीं है। कितनी कम फैसिलिटी में उन्होंने कितना उच्च साहित्य हम लोग को दिया है। भक्ति स्वामी सिंधु बैठ के रूप स्वामी पेड़ के नीचे लिख रहे हैं, अलमारी नहीं है कि रख देंगे संभाल के, घर नहीं है कि बरसात से बच लेंगे, अपने शरीर ही है बस उन शास्त्रों को ढकने के लिए, तो शरीर से शास्त्र ढक ढक करके लिख लिख करके कि उसमें इंक पे जो भी इंक है पत्थर घिस घिस के बनाई होगी, लाल पत्थर, काला पत्थर, नीला पत्थर ढूंढ ढूंढ करके उसको बैठ के घिसा होगा, उससे इंक बनी होगी, फिर वो बांस की कलम बनाई होगी, उसमें डुबो डुबो करके लिखा होगा पेड़ की छाल पर, फिर वो छालों को संभाल के रखना, तो क्रमबद्ध तरीके से रखना, ये उनकी मेहनत है। उस मेहनत को प्रभुपाद ने समझा और ये सारे बुक्स बढ़िया बढ़िया एकदम टॉप क्लास की बाइंडिंग में हमको अवेलेबल करा दी सस्ते में। और फिर उनके बाद उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, ये सारी गुरु परंपरा ने उसको कैसे सहेज के रखा एज इट इज हमको मिल गया। तो उनकी मेहनत को ध्यान में रखेंगे तो मेरा पढ़ने का मन तो अपने आप लगने लगेगा। बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये कार्य किया है। और एक जगह प्रभुपाद ने कहा है कि विपरीत परिस्थिति में भजन करने की तीव्रता ये भगवान को अति प्रिय है। भगवान का प्रिय बनना है तो विपरीत परिस्थिति में भजन करके दिखाना है मन से। अनुकूल परिस्थिति में तो हम कर ही लेते हैं, आज बड़ा मन लग रहा है, आज 16 नहीं चलो 50 मेला कर लिया, मन नहीं लग रहा है 16 में भी, लेकिन आज हम करेंगे 50, ऐसी तैसी देखें कैसे मन नहीं लगता है, मनमानी करने के लिए छोड़ देंगे क्या? अभ्यास है ना तो कौन थे वैराग्य न जगह, तो ये छोड़ देंगे भजन तो करेंगे क्या? मनमानी, मनमानी करने से कृष्ण मिलेंगे अर्थात आनंद मिलेगा? नहीं मिलेगा, मनमानी से किसी को आनंद नहीं मिला, केवल गुरु की जिसने मानी, मन की जिसने मानी उसको नहीं मिले, गुरु की जिसने मान ली ध्रुव प्रहलाद आदि सबको भगवान मिले, चाहे फिर डकैत क्यों ना हो, वाल्मीकि, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के ला सकते हैं आप जो राम न कह पाए? प्रभुपाद ने तो पूरे विश्व में महामंत्र सबसे बुलवा लिया, कौन ऐसा था जो राम न कह पाए? ये वाल्मीकि ऐसे थे जो राम शब्द सीधा बोल नहीं सकते थे, मरा मरा कहा तो बोल लिया, राम नहीं बोला जा रहा है कह तो मरा ही मरा चाहिए, उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समझो। भगवान अपने समान बना लेते हैं भक्त को, भक्त की देह को अपना निजी घर मान लेते हैं, ये है भगवान। तो परिस्थितियां विपरीत हो, कुछ हो, दीमक चाट गई, पूरा शरीर मरा मरा चल रहा है, कब आएंगे नारद जी? कोई प्रश्न नहीं किया नारद जी से, ये मरा मरा करने से क्या होगा, कितने दिन तक करना है, फिर आप कब आएंगे? कुछ नहीं, मरा मरा करना है ठीक, परिवार वालों से तो वैराग्य हो ही गया, कोई साथ नहीं देगा पाप का फल भोगने, ये बहुत जरूरी था, वैराग्य से श्रद्धा आती है, नारद में श्रद्धा दृढ़ हुई, नारद जो कहेगा वही करेंगे, उन्होंने कहा मरा मरा जो ठीक है मरा मरा, कब तक कोई लिमिट नहीं, कीर्तनीय सदा आ गई, ये किया उन्होंने जब तक भगवान नहीं मिला। तो अंतर पाषंड, ये सरल हृदय है,
सरल निर्दय है तो बात मान लेता है। जे कथा सुनी ले दूजे अंतर पाषंड हेन से पदारविंदे पाद्य देई मिश्र। वल्लभाचार्य ने ऐसे चरण कमलों में पाद्य अर्पण किया, जाहर ध्याने गुजे संसार तमिश्र। संसार के सारे बंधन सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं जिन कमल चरण कमलों का ध्यान करने से, उन चरण कमलों में पाद्य अर्पण किया। महेंद्र जाहरे दिल नृप सिंहासन, जिन्होंने इंद्र को इंद्रासन प्रदान किया है वो मेरा जमाता बना है। इंद्र को इंद्रासन देने वाला यहाँ बैठा बहुत मधुर शब्द है। महेंद्र जहारे दिल नृप सिंहासन हेन जने देई मिश्र पीठेर आसन। जिसने इंद्र को इंद्रासन दिया उसको एक लकड़ी का पीठा ला करके महाप्रभु को दे रहे हैं कि बैठिए इस पर, और महाप्रभु बैठ रहे हैं। अहम भक्त पर आधीन कहीं बैठा दो, जिधर गाओगे उधर बैठ जाए। महेंद्र जहारे दिल नृप सिंहासन हे न जने, ऐसे व्यक्ति को देई मिश्र पीठेर आसन। जे प्रभु वसन धरे दिव्य पीतवास, जो दिव्य पीतांबर धारण करते हैं, ताहरे वसन दे शुनित तरास, उसको एक सादा सा वस्त्र भेंट कर रहे हैं पहनने के लिए। यह सुनकर लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं मैं भय से कांप उठता हूं, कितना भगवान भक्त के जीवन में। ऐ मते क्रमे क्रमे जे विधि आछिल, भक्त जो दे दे स्वीकार। सनातन गोस्वामी क्या देते थे, फीका फीका केवल बाटी, हाथ से सान दिया, तवा भी नहीं है, आग में डाल दिया। साना भी किस पे होगा, पत्थर पे या तो गमछे में जैसे तैसे सान करके डाल दिया। भगवान कह रहे नमक दे दो, कि नमक नहीं मिलेगा। भगवान को नमक नहीं मिल रहा है, हमको भी डॉक्टर ने मना ठीक है नहीं खाएंगे, भगवान भी सारे रह ले तो हम क्यों नहीं रहेंगे। अरे बोल, ये सब कथाएं किस लिए सुनते हैं, इसलिए कि हम किसी भी स्थिति में रह सके और खुशी खुशी रह सके। भगवान बिना नमक का खा करके रह तो क्या हो गया, उदास है, मिल गया यही कहता हूं मैं, मिल गया ये बहुत संतोष, बहुत बड़ी चीज है। जे कथा सुनी ले गुचे अंतर पाषंड हृदय सरल। जे प्रभु वसन धरे दिव्य पीतवास तारे वसन दे शुनित तरास। साधारण सा वस्त्र अर्पण किया, हृदय कांप उठा लोचनदास ठाकुर का। ऐ मते क्रमे क्रमे जे विधि आछिल, यज्ञ आदि जत कर्म सब निवेदिल। फिर क्रमबद्ध तरीके से सारे कार्यक्रम बारी बारी से हो रहे हैं, यज्ञ भी शुरू हुआ, यज्ञ आदि यत कर्म सब निवेदिल, सब निवेदन हुआ। वल्लभ आचार्य सम नाही भाग्यवान, वल्लभाचार्य के समान आज पृथ्वी पे कौन भाग्यवान। आपने वैकुंठनाथ लैल कन्यादान, उनको कन्यादान कर रहे हैं हाथ पकड़ करके और महाप्रभु के हाथ में। वैकुंठनाथ ने खुद हाथ आगे बढ़ा दिया, चैतन्य महाप्रभु पहले से बिना कहे वही तो यहां लिख रहे हैं। आपने वैकुंठनाथ लैल कन्यादान, और अगर शुरू से देखा जाए तो शची माता ने तो मना कर दिया, वल्लभाचार्य चाहे थे सबसे सबसे पहले तो क्या नाम है उनका, वनमाली आचार्य, यस वनमाली।
वनमाली आचार्य चाहते थे, लेकिन वो तो शची माता से हट तो नहीं कर सकते थे, इतने बड़े वैष्णव से कैसे हट करेंगे, एटिकेट नेचुरल है उनके। तो गौरांग ने देखा तो अब यही चाहते थे ना, इसका मतलब कि अब यही जो है पहल कर रहे हैं ना कि हमको कन्या चाहिए। सारी बात आगे तभी बढ़ी जो शची माता को जाके कहा, क्यों दुखी कर दिया ब्राह्मण को। तो इतना कहना शची माता सारी बात समझ गई, तुरंत आदमी भिजवाया कि बल्ला इसको बुला लो। किसको? सब कर्म हुए। वल्लभ आचार्य समना ही भाग्यवान अपने वैकुंठनाथ लैल कन्यादान। वैकुंठनाथ ने वल्लभ आचार्य से स्वयं कन्यादान मांगा कि कही वह वल्लभ मिश्रे भाग्य राज जारा घरे कैला प्रभु ए पंच ग्रासी। अब पांच ग्रास स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए गए, हो गया करना ध्यान। अब तो भैया जिसका इंतजार था, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। ब्राह्मण लोग तो तैयार बैठे, ब्राह्मणम भोजनम मिष्टानम भगवान भोग लगाए तो वो भी शुरू करें, एक अलग ही आनंद है उसका। वल्लभ आचार्य समा ना ही भाग्यवान अपने वैकुंठनाथ लैल कन्यादान की कही वल्लभ मिश्रे भाग्य राशि जार घरे कैला प्रभु ये पंच ग्रासि। दावत का आनंद उठाया गया, कन्या वरे एक गृह भोजन करी। कन्या वर को एक अलग रूम में भोजन परोस के दिया गया। भाई आप लोग खाओ बैठ के। शत शत कुल वधु वासरे मिली लग। अब स्त्रियां सब चारों ओर से घेर के बैठ गई, वो छोड़ती नहीं है वधु को। आप तो गौराय महाप्रभु, मतलब गौराय महाप्रभु की ऐसी लीला देख, स्त्रियों से घिरे हुए हंसी मजाक चल रहा है, स्त्रियां मजाक कर रही हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं, ये मतलब बहुत आनंदमय लीला है। नहीं तो महाप्रभु कहाँ दूर रहते हैं। हाँ, हर तरह का विनोद लाज छोड़ करके हंसी मजाक। कन्या वरे एक गृह भोजन करीला शत शत कुल वधु वासरे मिलीला। युते युते तरुणी आईला प्रभु का छे। तरुणी स्त्रियां को भाग गई महाप्रभु के पास, जितनी सालियां थी सब घेर घेर के सब बैठ गए। कन्या युते युते झुंड की झुंड युते युते चरुणी तरुणी आईला प्रभु का छे। वेड़िया रहिल विश्वम भर आगे पाछे, आगे पीछे सब घेर के बैठी। से वदन हास्य चंद्र उदय देखिया। महाप्रभु बहुत आनंद में है और उनका चंद्रोदय जैसा हास्य देख करके लज्जा तिमिर सवार गेल पलाया। लज्जा रूपी अंधकार दूर हो गया। लज्जा में घूंघट निकाले रहो, अंधकार में बैठे रहो। चारों तरफ कितनी भी लाइट हो तो बिचारी भारी सी साड़ी पहन के बैठी हुई। नाम विपर्य के हा करे सवार घरे। उस विवाह सभा में एक कन्या ने भिन्न अर्थों वाले विनोद प्रिय अलंकारी वचन बोले। नाम विपर्य बातें ऐसी ऐसी कर रही जिनके दो अर्थ निकलते हैं। नाम विपर्य के हा करे सवार घरे विश्वम भर गुणे भोरा परिहास करे। और महाप्रभु के साथ सब स्त्रियां जो है, सब लड़कियां युवतियां सब उपहास कर रही हैं। कभी सोचा था ऐसा भी दृश्य महाप्रभु के?
अब वो भी बड़े आनंद में है, मुस्कुरा रहे हैं, कोई ये नहीं कि शर्मा रहे हो कुछ कर रहे हो, नहीं ये मतलब लज्जा का अंधकार सबका मिट चुका है। के वो बोले गोरा चांद सुना मोर बोल, वो कह रही मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो गोरा चांद, गुया खानी देह लक्ष्मी निंदे हाई लभोर, हे विश्वंबर सुनो ये पान सुपाड़ी लक्ष्मी प्रिया को खिलाओ। उसको देखो नींद आ रही है, सोने जा रही है, पान खिलाओ कुछ देर और जगेगी। आपने तुलिया दे है लक्ष्मी रवदने, अपने हाथ से तुम खिलाओ, आपने तुम ही खिला दो ना, नहीं नहीं तुम खिलाओ, विवाह में सब यही हट करते हैं लोग, खिलाओ आपने तुलिया लक्ष्मी रवदने। देखू का सकल सखी हर्षित तो मने, अब जो महाप्रभु खिला रहे हैं तो वो शर्मा रही हैं, और देख देख करके सबको बड़ा आनंद आ रहा। केहो बोले हे न भाग्यवती केवा अच्छे, इसके जैसी भाग्यवती और कौन है, गौर चंद्र है न पति मिली अच्छे काचे, पति के रूप में गौर चंद्र मिल गया इसको, वाह क्या भाग्य है। कौन तप कैल क्या तपस्या इसने की, कौन कैल व्रत दान क्या व्रत किया क्या दान लिया, देव आराधने कौन साधी लगे आन, कौन से देवता की आराधना की क्या ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, कौन सती पति व्रता आछे पृथ्वी ते विश्वंबर रूप देखी स्थिर था के चित्ते, कौन पतिव्रता नारी होगी जो गौरांग महाप्रभु को देख करके अपने चित्त को स्थिर रख सके। सब एक तक निहारते हैं, एक तक किसी पुरुष को निहारना तो ये तो लज्जा छोड़ के ही हो सकता है ना, तो ये अब सब सारी स्त्रियां गौरांग महाप्रभु के सुंदर रूप को देख रही हैं एक टक, तो लज्जा का अंधकार मिट चुका। मदन सदन जिनी वदन सुंदर, मदन सदन है, मदन सदन जितने हैं उन सबको जीत लिया है इस सुंदर मुखमंडल ने। मदन सदन जिनी वदन सुंदर मान नीर मानस रतन वर चोर, जो माननी कन्याएं हैं, ब्राह्मणों की कन्याएं हैं, ऋषियों की कन्याएं हैं, उन सब का जो मन है, मन रूपी रत्न जो है जिसको संभाल संभाल के रखती हैं, उस रत्न को भी चुरा लिया है इस दौरान। भुज दंड अखंड से हेम दंड जिनी, भुजाएं देखो कैसी हैं, जैसे लग रहा है कि लोहे के दंड सोने के दंड हो, ने सुंदर हेम दंड जिनी, और साधक करे निज मुखे धरणे धरी ते रमणी, उनकी बलशाली भुजाएं कामदेव के दंड को भी परास्त करती हैं, लालसा से पूर्ण उनकी सुंदर दुल्हन उनके विपक्ष स्थल पर विश्राम करती है। साधक करी निज मुखे धरी ते रमणी, लक्ष्मी ए सकल अंग विलास करी, लक्ष्मी प्रिया उनके प्रत्येक अंग पर ओजस्वी लीलाओं का भोग करेंगी। लक्ष्मी ए सकल अंग विलास करीब आमरा इहार कवे परश पाई, ये तो सकल अंगों का भोग करेंगी, हमको छूने नहीं दे आमरा इहार कवे परश पाई, हमको स्पर्श कब मिलेगा इनका, यही आमादेर आशा, यही आमादेर आशा हवा इहार दासी, मेरी आकांक्षा है कि किसी दिन मैं गौरांग और लक्ष्मी प्रिया की दासी बन जाऊं, यही आमादेर आशा हवा इहार दासी, कबे से सेवी मोरा श्री गौरांग शशि, ए गौरांग रूपी चंद्र को कब मैं सेवा करूंगी, मोर प्राण आरे गोरा चांद आरे, हे भगवान गौर चंद्र आप मेरे प्राण है मेरे धन है, ऐ मत रंगे ढंगे प्रभात होइले,
रात बीत गई, फिर एक अभिषेक में अधिवास में बीत गई, एक रात्रि ये विवाह में बीत गई। किस समय आए थे द्वार पर? बारात किस समय उठी थी? वो धूली में उठी थी। आप पूरी रात्रि बीत गई। एही मत रंगे ढंगे प्रभात होइल, प्रातः क्रिया कैल प्रभु जे विधि आचिल। प्रातः काल की जो क्रियाएं हैं प्रभु ने की। विवाहेरा पर दिन कुशंडिका कर्म, ब्राह्मण भोजन करे ब्राह्मण का धर्म। अपने विवाह के अगले दिन भगवान ने कुशंडिक अनुष्ठान संपन्न किया। होता हो कोई अनुष्ठान? उन्होंने ब्राह्मणों को विशाल प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। आइए आज फीस्ट होगा, आज तो सच में फीस्ट होने वाला है। फिर उन्होंने ब्राह्मण के स्वयं के कर्तव्य पूरे किए। सकल करिल प्रभु से दिन कथाए, आर दिन घर जाव कहिल कथाए। यह सब उन्होंने उसी दिन किया। अगले दिन यानी प्रातःकाल हुई और पूरा दिन बाकी सारे कार्यक्रम और होते रहे। फीस्ट हुई वहां पे वल्लभाचार्य के निवास स्थान पर, और फिर अगले दिन घर वापस जाने की बात। आर दिन घर जाव कहिल कथाए, महाप्रभु ने अपने मन की बात कही। तो माता की याद आ रही, माता वहां बैठी है अकेली घर पे। माताएं नहीं जाती है, माताएं बंगालियों में भी नहीं जाती है। घरे ते चली लजबे आनंदित मने, परिजने पूजा करे रतन कांचने। प्रसन्न चित्त भगवान गौर अपने घर वापस आ गए, जहां उन्होंने स्वर्ण तथा चांदी अर्पण करके अपने सगे संबंधियों की पूजा की। एक आसने वैसे प्रभु लक्ष्मी वाम पाशे, लक्ष्मी बाई और बैठी हैं, एक आसन पे दोनों बैठे हैं। चौदह के बेड़ी ल नारी गण तारकाचे, और स्त्रियां चारों ओर से घेर के बैठी हैं। तो घर ते चलीला जबे आनंदित मने, यानी जो रूम उनको दिया गया था उस रूम में पहुंचे, सारा प्रातःकाल स्नान ये सब करके और फिर फीस्ट करके रेस्ट करने के लिए भाई अगले दिन जाएंगे अपने निवास, अपने उस निवास स्थान पर जो वल्लभाचार्य ने भेंट किया था वहां पर है अभी। तो एक आसन है वैसे प्रभु लक्ष्मी वाम पाशे, चौदह के बेड़ी ल नारी गण तारकाचे। वल्लभ मिश्रे रही हरिश विषाद, अब वल्लभ मिश्र विदाई का समय आ रहा है। वल्लभाचार्य जो हैं उनके हृदय में हर्ष भी है कि इतना अच्छा जमाता मिला, कन्या का विवाह हो गया, और कन्या इतनी सुंदर कन्या गुणवती वो छोड़ करके अब चली जाएगी अपने ससुराल, तो विषाद भी हो रहा है विरह। यात्रा काले करे कन्या वरे आशीर्वाद, यात्रा काल में विदाई के समय भावपूर्ण विदाई दे रहे हैं वल्लभाचार्य। दूर्वा धान्य गंध माल्य गुवा का चंदन, जमा तारे दिया किचु करे निवेदन। ये सब जो पवित्र वस्तुएं हैं वो सब अर्पण करने के बाद, दूर्वा धान्य गंध माल्य गुवा का चंदन, ये सब अर्पण करने के बाद जमा तारे दिया की छुकर निवेदन है, आप कुछ उनसे कहने के लिए तत्पर हुए। कहने लगे धन हीन आमी, मैं धन हीन हूं, छार नाही करी भाग्य, मैं अत्यंत पतित व्यक्ति हूं राख के ढेर के समान। धन हीन आमी छार नाही करी भाग्य, की दीब तुम्हारे दान की बात तोर योग्य। मेरा इतना भाग्य भी नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं। की दीब तुम्हारे दान, क्या तुम्हें दान करूं, और फिर तुम्हारे योग्य वस्तु इस संसार में है कौन सी जो मैं तुमको दूं। और मैं कैसे योग्य हो सकता हूं कि आपको कुछ दूं।
केवल आनंद गुणे कैले अनुग्रह, आपने तो अपने हृदय में आनंद के कारण और अपने गुणों से मुझ पर कृपा की और मेरी कन्या का दान स्वीकार किया। केवल आनंद गुणे, अपने आनंद के कारण, अपने गुणों के कारण कैले अनुग्रह हम पर कृपा की है। धन्य कराइले करी कन्या परिग्रह, हमको धन्य बना दिया आपने मेरी कन्या को ग्रहण करके। आमी की बोली बोली, मैं क्या बोलूं, मोर की आछे योग्यता, मेरी कोई योग्यता ही नहीं है बोलने की कुछ। आपनार निज गुणे तुम्ही हमारे जमाता, आप ही अपने गुणों से मेरे जमाता बने। ये बहुत प्रेरणादायक है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं पिछले जन्म में हमने ऐसा क्या किया था कि हमको प्रभुपाद मिले, गुरु परंपरा मिली, हमने क्या किया था। ये भी अहंकार है कि हमने कुछ किया था क्या, कि भगवान की आयतु की कृपा नहीं कि तुम पर हो गई है। हमने किया था, हम कर रहे हैं, हम करेंगे, ये सब अहंकार है, हम क्या करेंगे। देखिए वल्लभाचार्य की भाषा देखिए, कन्या को विदाई देते समय इनकी लैंग्वेज बहुत गौर करने वाली है। हम किसी, आपने अपने गुणों से हमको स्वीकार किया, आपने अपने गुणों से हम पर कृपा की कि हमको हरि नाम दिया। आपके अंदर दया का गुण है, पतित पावन का गुण है, आप अवतार लेकर के आए और हरि नाम बांट के चले गए और गुरु परंपरा ने ये हम तक पहुंचा दिया। मेरा इसमें कौन सा गुण है, कोई गुण नहीं है, केवल आपकी अहेतु की कृपा है। मैं पतित चार व्यक्ति, हमको हरिनाम मिल जाए साधारण बात है। हरि और हरिनाम में भेद क्या है, अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उसी दिन शुद्ध नाम होता है। ये जो भेद नाम नामी का है, भेद लग रहा है ना, बैठ के नाम जपते रहते हैं, फिर मन करता है कि यहाँ चले जाएं, दर्शन करें आए, वहाँ चले जाएं, ये करें आए, वहाँ चले जाएं, चार धाम करें आए, इधर जाएं, उधर जाएं, उधर चंचल मन चलायमान होता रहता, स्वभाव है जीव का। तो अभी नाम और नामी में अगर डिफरेंस, हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में बैठ करके 22 घंटे जप करते हैं, जगन्नाथ पुरी में रहते हैं, जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते, मेरी छाया पड़ जाएगी भक्तों के ऊपर, अपराध लग जाएगा मेरी छाया। इतना अपने को अधम मानते हैं और 3 लाख जप करते हैं, हमारा क्या गुण है। इन भक्तों के आचरण को चैतन्य चरितामृत चैतन्य लीला के माध्यम से देखेंगे जब हम ध्यान से, तब हृदय निर्मल होगा, अदरवाइज निर्मल होने कोई संभावना नहीं। बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत समय दे करके, धैर्य पूर्वक, उत्साह निश्चयात धैर्यात, निश्चय करना चाहिए हम गौरांग लीला को पूरा पूरा जानेंगे। और कैसे जानेंगे, हड़बड़ी में नहीं, धैर्य पूर्वक और उत्साह से पढ़ेंगे। एक पूरा हुआ, दूसरा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा। बंगाल में ग्रंथ कहते ही चैतन्य लीलाओं को है, रोज शाम को बैठते हैं सब भक्त लोग, हम लोग नहीं थे ना के नमे पे। हम और प्रभु जी जाते थे, एक गदाधर की परंपरा के भक्त थे वो, वहां पर ना का चौराहे के पास में, हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो वहां रहते थे और शाम को रोज ग्रंथ पाठ करते। हम लोग पता चला था मुझे, इतना आनंद आता था, समझ में तो 25% आता होगा लेकिन गौरांग ये वो नदिया मायापुर यही सब घुसता था दिमाग में और बड़ा आनंद मिलता था। तो ये सब
हेतु की कृपा है, वो लोग तो सब आनंद लेते हैं, और गोस्वामियों ने कितनी हेतु की कृपा करके इन ग्रंथों को ऐसे संभाल संभाल के रखा हमारे लिए कि हम अपने हृदय को निर्मल कैसे करेंगे, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे होकर के हमारे बारे में सोच रहे, तब भागवत कथा शुरू हुई। केवल आनंद गुणे, मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये भी नहीं कि मेरी कन्या बहुत सुंदर है, ये है वो है, इसकी वजह से आप आकर्षित हो गए, उससे लव मैरिज कर रहे हैं। तो देखा तो पहले था ही, तो वो जो प्रेम उमड़ा तो किसने देखा, तुम बीच में मत बोलो। मन माली आचार्य, उन्होंने वो प्रेम देख लिया, तो ये लव मैरिज है कि अरेंज, लव कम अरेंज, लव मैरिज अरेंज बाय सच्ची माता। आय गौर प्रेमानंद, लड़के को पसंद आ गई लड़की तो कह रहा है कि वो ब्राह्मण को काहे के लिए नाराज करके भेज दिया। सही तो कह रहा था, ये बात कही नहीं, मन लेती, लेकिन भक्त तो साधव हृदय महम, साधना हृदय तो समझ लेता, मदन्य न जानती, वो मेरे सिवा कुछ सोचता ही नहीं है, तो मेरे मन में क्या है वो न जाने, तो कैसा साथ। केवल आनंद गुण है कैल अनुग्रह, केवल आपने अपने आनंद के लिए, और चूंकि आनंदमय अभ्यास है, भगवान का स्वभाव है हमेशा आनंद में रहते हैं, और गुणों से, अपने गुणों से ग्रहण कर लिया, तो अपने गुणों से भगवान जीव का उद्धार करते हैं। पूतना का उद्धार किया, अगासुर का, बकासुर का, क्या उनमें कोई योग्यता थी, अहो बकीयम स्तन काल पूतम, अपने गुणों से भगवान अपने गुण थोड़ी छोड़ पाते, वस्तु शक्ति बिजली है, चाहे इंजीनियर बिजली के बारे में सब जानता है कैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और हम अर्थ पे खड़े हैं हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो कर जाएंगे, वो अगर डालेगा हमें तो वो भी तो भी करंट खाएगा, एक अज्ञानी बच्चा भी करंट खाएगा, आग में हाथ डालेगा कोई भी डालेगा जलेगा, वस्तु अपना कार्य करती है, उसको बोलते वस्तु शक्ति। तो भगवान की अपनी एक वस्तु शक्ति है, वो अपनी कृपा किए बिना मानते नहीं, कोई भी उनको टच कर दे तो कृपा तो मिल ही जाएगी, टच करना चाहिए। केवल आनंद गुणे कैल अनुग्रह, धन्य कराइले करी कन्या परिग्रह, मेरी कन्या को ग्रहण करके आपने मुझे धन्य बना दिया, पहले मैं जैसा भी था लेकिन अब धन्य हो गया, आमी की बोली वो मोर की अच्छे योग्यता, आपनार निज गुण है तुम्ही आमारा जमाता, आप अपने ही गुणों से मेरे जमाता हो, देव पितृगण मोरे प्रसन्न है, आज पितृगण भी मेरे प्रसन्न हो गए, देवता भी प्रसन्न हो गए, जखन तुम्हारे निज कन्या समर्पी, आपको मैंने अपनी कन्या समर्पण की तो सब प्रसन्न हो गए। तोमार, अब कन्या जब किसी के जन्म लेती है तो वो तो जन्म से ही मन बना लेता है कि भाई इसका विवाह करना है, इसकी एक दिन विदाई करनी होगी, तो जब विदाई करनी है तो पालन पोषण में कोई कमी थोड़ी रखता है, ये सोचेगा नहीं नहीं इसकी तो विदाई करनी है तो दूसरे घर जाएगी, लड़के का पालन ठीक से करो, लड़की में तो माता पिता तो बराबर से प्रेम करते हैं, लड़के के बारे में क्यों नहीं सोचते कि इसको भक्त बना करके और किसी भक्त के शरणागत करा देंगे, वो भी प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लड़का वैराग्य धारण करने का तो घबराहट होने लगती है, अरे देखो जैसे ही लड़की अपनी पाल पोस के बड़ी करके उनको सब सुशील बना करके और उसको अर्पण कर दे रहे हैं ना भगवान, ऐसे ही लड़की को भी भगवान को अर्पण कर, क्यों नहीं कर सकते, बच्चे भक्त बने भगवान का भजन करें, इसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, जन्म से लेकर के ये सोच लेना चाहिए मेरा बच्चा भक्त बनेगा मैं इसी में प्रसन्न हूँ।
प्रचार कार्य में लगेगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को भक्त बना करके भगवान को समर्पित कर दो। देव पितृगण मोरे प्रसन्न होइल, जखन तुम्हारे निज कन्या समर्पिल। भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे, 10 पुत्र, उसमें से 6 सन्यासी, डिवोटी तो सारे ही थे, 6 हो गए सन्यासी। भक्ति विनोद ठाकुर आनंद, 6 लड़के घर छोड़ के सन्यासी। ऐसे ऐसे भी पिता हैं। देव पितृगण मोरे प्रसन्न होइल, जखन तुम्हारे निज कन्या समर्पिल। तुम्हारा अभय पाद पद्मे ते शरण, लभिले ना दीव दुख आमरे शमन। जब मैंने आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लिया, तुम्हारा अभय पाद पद्मे ते शरण, मैंने भी आपकी शरण ले ली, और लभिले मैंने प्राप्त की शरण, ना दीवे दुख आमरे शमन। अब यमराज हमको क्या दुख देंगे, मैंने आपकी शरण ले रखी। आपके शरणागतों को यमराज थोड़ी दुख देते हैं। जे पद ध्याने पूजे ब्रह्मा शिव आदि, जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा शिव आदि करते हैं, से पद पूजिल विद्यवाने यथाविधि। वे चरण जिनकी अब मैं आराधना करता हूं, से पद पूजिल, आमी मैंने जिन चरण कमलों की पूजा की यथा विधि, जैसे जैसे बताया गया था कि जमाता की ऐसे पूजा की जाती है, जो शास्त्रों में विधि विधान है उसके अनुसार किया, इन्हीं चरण कमलों की तो ब्रह्मा शिव आराधना कर। आर किचु निविदिये सुन विश्वंभर, मैं एक और अपने मन की बात तुमसे कहना चाहता हूँ, हे विश्वंभर सुनो। ए बोल बलि के कंठे गद गद स्वर, अब स्वर गद गद हो गया। छल छल करे आंखी करुणार जले, लक्ष्मी कर धरी। लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में रखा और दिल गोरा चांदी रखा। विदाई के समय गोरा चांद के हाथ में लक्ष्मी का हाथ समर्पित कर दिया। आज ही होते लक्ष्मी तोरे कैलू समर्पण, आज से लक्ष्मी आपकी समर्पण कर दिया मैंने। जानिया करीब इहार भरण पालन, अब इसका भरण पोषण देख रेख करना, इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। मोर घरे छिला लक्ष्मी घरे रे ईश्वरी, मेरे घर में जब तक ये रही रानी की तरह रहती थी, मेरी रानी बिटिया। मोर घरे छिला लक्ष्मी घरे रे ईश्वरी, आजी हैते तोर दासी कुले रे बहुरी। आज से वो आपकी दासी है, यहाँ तो रानी बन के रही लेकिन अब आपकी दासी बन के रही। मोर घरे छिला ए स्वच्छंद आचार्य, मेरे घर में जब तक रही स्वच्छंद आचरण करती रही, जैसा मन करता था वैसे करती थी। आखटी करिया माए करती करी तो आहारे, अपनी माता से सदा उत्तम भोजन बनाने की जिद करती थी। आखटी करिया हठ करके बनवाती थी जो इसको पसंद होता था। मोरा घरे आचीला ए माँ बापेरा कोले, वो कितनी उम्र होगी, महाप्रभु की उम्र 11-12 साल की, ये 8-9 साल की 7 साल की ऐसे होंगी, गोदी में रही है। तो जब तक हमारे घर में रही तो गोद में रही है। मोर घरे आछिला ए माँ बापेर कोले, यथा तथा हैते आइले धरे सिया बोले। वो अपनी इच्छा अनुसार आती थी जाती थी घूमती थी खेलती थी, जो मर्जी आती वो करती थी, हमारी गोद में रहती थी, हमारे आलिंगन में बनी रहती थी। सबार दुलाली, सब लोग मोहल्ले के
सब इसको बहुत प्यार करते हैं। लक्ष्मी आमी आप पुत्र कर, मेरे कोई पुत्र नहीं है, बस यही एक बेटी है। सबार दुलाली लक्ष्मी आमी अब पुत्र कर, घरे यहा वही नाही बालिका बालक, घर में और ना कोई बालिका है ना कोई बालक है। आमी की बोली बोलू, मैं क्या बोलूं, क्या बोल पाऊंगा। ए तोर निज जन मोहे मुग्ध हैया बलि एते का वचन, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो आपका अनुयायी हूँ, अब आप जो कहोगे वही करना हो, करना है मुझे। पितृ प्रेम से अभिभूत होकर मैंने आपसे ऐसे वचन बोल दिए हैं। भाई पिता का हृदय है तो पुत्री को किस तरह से प्रेम से घर में रखा है रानी बना करके, अब आप दासी बना करके इसको। ए जे बोली लर सही आमी मूड मत, मैं मूड हूं, क्या क्या बोल गया पता नहीं। की करीबे मोर माया तुम्ही जारो पति, मैं माया द्वारा भ्रमित हो गया था, उस माया द्वारा जिसके आप स्वामी हैं, आप मायापति और मैं माया के अधीन होकर के क्या क्या बग गया। त्रिभुवने लक्ष्मी सम नाही भाग्यवती, त्रिभुवन में मेरी बेटी जैसी कोई भाग्यवती नहीं है। आमी जत बोली सभा ए माया पीरित, मैंने जो कुछ भी बोला वो इसके प्रेम में अभिभूत होकर के बोला है। एते के बलिया मिश्र कैल संवरण, अपने आप को कंट्रोल किया और ढल ढल स करुण अरुण नयन, लाल हो गई आंखें, आंसू बह रहे हैं। चलीला से महाप्रभु निज प्रिय वामे, लक्ष्मी र सती चढ़े मनुष्य र याने। लक्ष्मी प्रिया मनुष्य र याने माने जैसे पालकी, उसमें बैठ करके मनुष्य यान में बैठ करके अब गौरांग और लक्ष्मी प्रिया पालकी चल पड़ी, विदाई हो गई। शंख दुंदु भी बाजे जय हरि बोल, नाना विध वाद्य बाजे आनंद हिलोल, फिर सब वाद्य यंत्र बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी। ब्राह्मणे ते वेद पढ़े भाटे राय बार, सम्मुखे नाटू या नाचे आनंद अपार। नर्तक लोग नृत्य करने लगे, कवियों ने कविताएं गाई, ब्राह्मणों ने वेदों का पाठ किया, जिनको वाद्य यंत्र बजाने आते थे उन्होंने वाद्य यंत्र बजाए। वयस्य वेष्टि तो प्रभु, अब प्रभु जो हैं अपने सब मित्रों के साथ में घिरे हुए हैं। बलि जाए पथे अंतरिक्षे देव गणे चले दिव्य रथे, अब दिव्य रथ पर जैसे जैसे पालकी चल रही है देवता लोग भी साथ साथ फूल बरसाते हुए चल रहे। एथा शची आनंदित, इधर शची माता बस इंतजार कर रही है वहां द्वार पे खड़ी होकर के, और साथ में आयो सुयो लैया, सब भाग्यवती स्त्रियां सब विवाहित उन सब की जमात लगा करके बैठी हुई है वहां इंतजार में। पुत्र महोत्सव बुले कौतुक करिया, और उनके आने के स्वागत में महोत्सव, विशाल महोत्सव मनाने के मूड में है। मनाया उत्सव पुत्र वधु के आने पर, अस शाख मंगल घट पातिल दुयारे, शुभ एवं मंगलमय पात्र जल पात्र टहनियों तथा नारियल सहित उनके द्वारा उनके द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। नारी के फल दिया तहार ऊपर घड़े पानी से नए नए भरे हुए, आम की पत्तियों से सजे हुए, उसमें फिर नारियल रखा हुआ, इस प्रकार से सुसज्जित करके रखा है माता ने अपना घर। और निर्मज्जन संज करे धृत वाती ज्वले, शुभ घड़ी में भगवान गौर वापस घर आ रहे हैं। घरे थे आइया प्रभु से ही शुभ काले, और जगमगाते घी के दियों से उनकी आरती की गई वर वधू की। विश्वम भर निर्मज्जन करे नारीगण,
जय जय हुला हुली संगीत नाचन। स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी, वहां गायन नृत्य जय जयकार तथा कोलाहल मचा हुआ था। नाना विध वाद्य बाजे, आनंद अपार, सर्व सुखमय हैल शचीर आगार। शची माता का घर सर्व सुखमय बन गया। उठिल मंगल ध्वनि आनंद विशेष, लक्ष्मी कर धरी प्रभु गृह प्रवेश। लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ करके अब महाप्रभु घर की चौखट लांघने लगे, प्रवेश कर रहे। पुत्र आर वधु जैसे अंदर प्रवेश किए, शची माता ने पुत्र आर वधु कोले करे शची देवी, गोद में लेके बैठ गई दोनों को। एक जांग पर बैठाया लक्ष्मी प्रिया को, एक पर गौर को, और दोनों का आलिंगन कर रही हैं। पुत्र आर वधु कोले करे शची देवी, दूर्वा धान्य दिया भले हो चिरंजीवी। दूर्वा और धान्य उनके मस्तक पर डाल करके कह रही चिरंजीवी होगा। पुत्र को आशीर्वाद दे रही है, पुत्र वधु को। पुत्र मुखे चुंब दे, पुत्र का मुख चूमा माता ने, और चूम करके फिर लक्ष्मी प्रिया को देख रही, फिर लक्ष्मी प्रिया का मुख चूमा, फिर गौर को देख रही, इस तरह से कर रही। पुत्र मुखे चुंब दे वधु मुख चाहिए, और वधु मुख चुंब दे पुत्र ने रखिया। बारी बारी से कभी इसका चुंबन करते हैं, उनको देखते हैं, उनका चुंबन करते हैं, इनको देखते हैं। सर्व सुखम हैला है, सर्व सुखम हैला शचिर आवास, गोरा गुण गाए एक वचन दास। गाय गौर प्रेमानंदे, विदाई होकर के आ गए भाई घर। घर आए हैं तो फिर संकीर्तन होगा बढ़िया। Tani 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 t